ज्ञान वापी पर मुस्लिम पक्ष को जिला जज की अदालत से भी झटका लगा। बगैर शुल्क जमा किए ज्ञान वापी का हो रहा एएसआई सर्वे रोकने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की। इसको लेकर दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्जी खारिज करने का आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक निपटाया जा चुका है। मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे के लिए शुल्क जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। एएसआई कोई निजी संस्था नहीं बल्कि सरकारी संस्था है, इसलिए जनरल रूल सिविल लागू नहीं किया जा सकता। इससे पहले बुधवार को ही केस स्थानांतरण को लेकर हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज किया था। ज्ञान वापी के मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया की ओर से जुलाई में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पूछा गया था कि एएसआई सर्वे के लिए वादी और से कितना शुल्क जमा किया गया है। अदालत की ओर से स्पष्ट किया गया था कि इस संबंध में कोई शुल्क जमा नहीं कराया है। इसके बाद अंजुमन ने आदेश नियम 26 नियम के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर एएसआई सर्वे रोकने की मांग की थी। अंजुमन की ओर से अधिवक्ता मुमताज अहमद व रईस की ओर से कहा गया कि अधिनियम के तहत बिना शुल्क जमा कराए कोई सर्वे या अन्य कार्य नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ताओं का यह भी आरोप था कि एएसआई की ओर से शुल्क जमा करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र भी कोर्ट में नहीं दिया गया। एएसआई भी जानबूझ कर नियम के विपरीत सर्वे कर रहा है, इसलिए इसे तत्काल रोकते हुए पूरी कार्रवाई अवैध ठहराई जाए। उधर हिंदू पक्ष की राखी सिंह की ओर से अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने आपत्ति की, कहा कि अदालत ने विवादित मामलों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ तौर पर एएसआई से राय जाननी चाहिए। एएसआई एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण वाली संस्था है, इसलिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण या किसी राय के लिए कोर्ट में शुल्क जमा कराना जरूरी नहीं। वादी संख्या 2 से 5 के अधिक अधिवक्ता गुण सुधीर त्रिपाठी व सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने भी इसका समर्थन किया। करीब 25 मिनट जिहर सुनने के बाद अदालत ने 22 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया। और यहां पर बड़ा झटका देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष को लगा है, जहां पर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं सर्वे रुकवाने की, लेकिन हाई कोर्ट जिला कोर्ट समेत अन्य कोर्ट से लगातार अपील खारिज हो रही है।